हेलो एवरीवन आज डेट है सिक्सटीन ऑफ दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोलकनो आई एस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलीग्राम चैनल वोलकनो आई एस के साथ में जुड़ सकते हैं वहाँ पर हर एग्जाम मिनसी स्टेट पी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना है कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेस्ट बैंक को लेकर के तो वेस्ट बैंक वेस्ट एशिया में एक लैंड लॉक टेरिट्री के रूप में लोकेटेड है और ये इसराइल और जॉर्डन कंट्री के बीच में सैंडविस्ड एरिया है ये जो वेस्ट बैंक रीजन है वो डेड सी के भी कुछ पार्ट को अपने अंडर कंटेन करता है वेस्ट बैंक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम डिस्कस करें तो 1948 में एक वॉर हुआ अरब इजरायली वॉर और इस वॉर के दौरान जॉर्डन ने इस एरिया को अपने अंडर कर लिया लेकिन 1967 में जो सिक्स डे वॉर हुआ इसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक को अपने अंडर कर लिया और ये जो सिक्स डे वॉर हुआ था इसमें थ्री कंट्रीज सीरिया जॉर्डन एंड इज़िप्ट इन तीनों ने मिलकर के इसराइल के ऊपर अटैक किया लेकिन इसराइल ने इन तीनों कंट्रीज़ को यहाँ पर हरा दिया था तो ये सिक्स डे वॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी प्रजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो 1967 में जब अपने अंडर कैप्चर किया इसराइल ने वेस्ट बैंक वाले रीजन को उसके बाद में यहाँ पर कुछ सेटलमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए और प्रजेंट टाइम में वन फॉर्मल सेटलमेंट है वेस्ट बैंक में इसराइल कंट्री के दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो भी रहते हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट बैंक रीजन है वो हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है अब देखो ये जो वेस्ट बैंक रीजन है यहाँ पर जो भी एक तरीके से सेटलमेंट किए हैं इसराइल ने इसको लेकर के अदर कंट्रीज़ का ये मानना है कि यहाँ पर जो भी सेटलमेंट्स किए गए हैं वो इलीगल है और ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स को फोर्थ जेनेवा जो कन्वेंशन है उसका वायलेशन बताया है अब ये फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन 1949 में साइन की गई थी और इसमें डिसाइड किया गया था कि अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के किसी एरिया को किसी टेरिटरी को अपने अंडर करता है तो वहाँ पर उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दे और यहाँ पर हमने देखा कि लगभग वन इज़राइल सेटलमेंट्स यहाँ पर लोकेटेड हैं तो ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर इशू जो है वेस्ट बैंक वाले रीजन को लेकर के इशू हमेशा बना रहता है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं वेस्ट बैंक में जैसे रामल्ला है याता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज है तो इन सभी पॉइंट्स की वजह से ही वेस्ट बैंक जो है वो न्यूज़ में बना रहता है द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर और यहाँ पर देखो अभी आपने अदर अदर स्टेट्स की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सुने होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फोर है उसके आर्टिकल फोर्टी फोर में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो भी बेसिक लॉ हैं जैसे कि मैरिज डाइवोर्स इनको लेकर के सिमिलर रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए रिलीजन के बेसिस पर कास्ट के बेसिस पर ये कोई भी डिफरेंस देखने को ना मिले तो इसी के बेसिस पर हमने देखा कि उत्तराखंड पहला स्टेट जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टेब्लिश करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक पैनल सेटअप किया गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद ने अनाउंस किया है कि उनका इंटेंशन है कि असेंबली इलेक्शन होने के बाद में इसके ऊपर काम किया जाए ओके और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने अपने मैनिफेस्टो में भी बताया था कि जो यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम किया जाएगा और उससे पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान सेड ए कमेटी वुड बी कंस्टिट्यूट टू इंप्लीमेंट द यू यू सी सी यूनिफॉर्म सिविल कोड अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट में तो यहाँ पर हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि बिल्कुल जो स्टेट हैं वो अपने लेवल पर लोग बना सकते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारी सेड्यूल सेवन है उस शेड्यूल सेवन में एंट्री फाइव ऑफ द लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट मतलब कंकरेंट लिस्ट की जो एंट्री फाइव है उसमें बताया गया है कि इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं जैसे पर्सनल सच एज इंसेक्टेंसी एंड सक्सेशन विल्स जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन मैरिज एंड डाइवोर्स इन सब के ऊपर जो है वो लॉ बनाया जा सकता है और आप सभी को पता है कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है तो इसी के बेसिस पर जो स्टेट है उनको पावरफुल यहाँ पर किया गया है बात की गई है सेड्यूल सेवन की तो सेड्यूल सेवन जो है देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टू फोर सिक्स जो है टू फोर सिक्स इसमें बताया गया है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसके बारे में बताया गया है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल टू फोर सिक्स में और ये आर्टिकल टू फोर सिक्स जो है इसको सेड्यूल सेड्यूल सेवन के अंडर रजिस्टर किया गया है ओके अब आर्टिकल टू फोर एट होता है टू फोर एट होता है रेजुटरी पावर और रेजुटरी पावर हमारे यहाँ पर किसको दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम यू की बात करें तो वहाँ पर स्टेट के पास में पावर है रेजुटरी पावर क्या होती है कि जो शेड्यूल सेवन में जो थ्री लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकर लिस्ट इन तीनों लिस्ट में कोई भी कुछ को ऐसे पॉइंट होंगे जो इन तीनों में एंटर नहीं है तो अचानक से अगर ऐसा कोई पॉइंट देखने को मिलता है तो लगता है कि इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है उन पॉइंट को रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए बाद में फिर उन रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पर या उस पॉइंट को किसी ना किसी लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है ओके तो ये टू जो है वो रेजुटरी पावर कन्फर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको ध्यान

नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है देखो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वो भी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में हमने डिस्कस किया चाइना जो है वो बॉर्डर एरियाज के पास में रोप वे रोड इन सभी कंस्ट्रक्शन uh, एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है तो यहाँ पर बताया गया है जो हमारा ट्राई जंक्शन है इंडिया भूटान इंडिया का सिक्किम स्टेट और यहाँ पर भूटान है और ये चाइना का तिब्बत वाला रीजन तो यहाँ पर ये यह जो रेड डैश लाइन आपको शो हो रही होगी इसके ऊपर चाइना क्लेम करता है इस मतलब इस टेरिटरी के ऊपर जो है वो यहाँ पर चाइना क्लेम करता है तो यहाँ पर चाइना ने अपना रोप वे एस्टेब्लिश किया है 2017 में अगर हम बात करें तो इसी रीजन को लेकर के भी तब भी इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसमें इशू देखने को मिला था इंडिया और चाइना के जो सोल्जर है वो यहाँ पर आमने सामने हुए थे तो ये डोकलाम प्लेट्यू का जो लोकेशन है वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये है सिलीगुरी कॉरिडोर जिसको चिकन स्नैक के नाम से जानते हैं जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है इसी के बेसिक रीजन पर इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक अपनी रीच बनाने के लिए इसके अल्टरनेटिव जो पॉइंट्स हैं अल्टरनेटिव जो पार्ट हैं उनके ऊपर फोकस करता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे देखो अभी हमने देखा कि अलग अलग स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं उन्होंने स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर फोकस कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है कि 2004 में एनडीए गवर्नमेंट जो है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया और जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 10 परसेंट के साथ में आपके 10 परसेंट के रूप में जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा ओके मतलब एक फिक्स फिक्स क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किया गया लेकिन अभी जो है वो अदर 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 स्टेट में जो इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है उसमें जो अदर पार्टीज़ है उन्होंने पर अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा सॉरी जो अभी न्यू पेंशन स्कीम है इसको हटा करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को हम क्या कर देंगे लॉन्च कर देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस दिन जो आपकी लास्ट ड्रोन बेसिक पे होता है उसका फिफ्टी परसेंट आपको पेंशन के रूप में गारंटी दी जाती है तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि देखो ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड हमेशा बोला जाता है ना कि ओल्ड इज गोल्ड लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ऑलवेज टाइम सेम जो पॉइंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं चाहे इलेक्शन जीतने के लिए पॉइंट जो है इसका यूज किया जा रहा है लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट होगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो क्योंकि हर स्टेट में बहुत सारे सर्विसेज़ में लोग हैं बहुत सारे रिटायर लोग हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और उनके लिए जो स्टेट है सेंट्रल लेवल है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है ये क्रिएट करेगा तो इस तरीके की जो पॉलिसी मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो फ़ाइव इयर्स में इलेक्शन होते हैं तो मैक्सिमम अदर पार्टी जो है जो प्रेजेंट टाइम में मान लो कोई भी गवर्नमेंट चल रही है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश करती है अगर नेक्स्ट हमें न्यू पार्टी आती है तो तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ का जो रेगुलेशन है वो नहीं देखने को मिलता है और इसकी वजह से नेक्स्ट फाइव ईयर में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मनी जो है वो लास्ट पार्टी ने लास्ट गवर्नमेंट ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया उसमें चेंज करने में टाइम निकल जाता है तो यहाँ पर एक कॉपरेशन दिखना चाहिए तभी जा कर के हम जो है वो बेसिक प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे और ये भी एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से सेवेंटी फाइव ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में भी हम बेसिक इशू जैसे कि पॉवर्टी हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाए हैं क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट जो हैं वो लास्ट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनमें चेंज करने में अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ओके okay? तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कौन से स्टेट इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पर अगर हम बात करें तो केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल जो है उसकी बात की गई है देखो केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है अब ये यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल क्या है कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश की गई हैं उनमें चांसलर के रूप में जो गवर्नर है उनको हटाया गया है और यहां पर सॉरी यहाँ पर यह डिसीज़न लिया गया है कि जो चांसलर हैं वो गवर्नर नहीं रहेंगे बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है इस बिल के अंडर कि वो अपने लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट एकेडमियंस हैं उनको यहाँ पर चांसलर के रूप में अपॉइंट करेगी ओके okay, तो ये बिल ये बात कहता है बेसिक इशू आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले जो वाइस चांसलर हैं उनको रिमूव करने के लिए यहां पर जो गवर्नर है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि आप उनको रिमूव कीजिए जिसकी वजह से इशू बना हुआ था क्योंकि यहां पर जो गवर्नर है उनका मानना है कि जो वाइस चांसलर हैं उनका अपॉइंटमेंट यू की जो गाइडलाइंस हैं एक कमेटी का फॉर्मेशन जो होना चाहिए उन सभी गाइडलाइंस को यहां पर फॉलो नहीं किया गया था जिसके बेसिस पर एक लेस देखने को मिला था तो यहां पर क्रिटिक्स का ये बोलना है कि ये बिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर देगा और इस यहाँ पर जो पहले पावर एक तरीके से यूजीसी और इन सब के पास थी तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो गवर्नर और यूजीसी से अब स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग इस पावर का यूज कर सकता है तो इसी के बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशन तो होने ही चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ पर हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया है फिर से कि जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट सिस्टम है मतलब प्रजेंट टाइम में जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें कुछ चेंज होने चाहिए और न्यू सिस्टम जैसे कि उन्होंने एन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने बोला कि बिल्कुल कुछ बेसिक अमेंडमेंट होकर के इसको दोबारा से रिवाइवल स्टेज में लाया जा सकता है तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे जो हमारी हायर जुडिशरी है वहाँ पर टोटल वेकेंसीज हैं लगभग 1100 के लगभग और उसमें से देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि 1108 स्ट्रेंथ है हमारी हाई कोर्ट्स की और इसमें से 777 जजे जजेज जो हैं वो हैं और 331 जो हैं जजेज लगभग 30% परसेंट वेकेंसीज यहाँ पर बनी हुई हैं तो सिस्टम जो है वो उसमें चेंज होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी और गवर्नमेंट मिलकर के कॉपरेशन के थ्रू काम करें और ये जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है देखो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है और यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट है कि इंडिया अगर चाहता है कि उसको पोल्यूशन से मुक्ति चाहिए तो साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर मिलकर के एफर्ट्स करने होंगे तभी जा कर के इंडिया जो है वो एयर पोल्यूशन को कम कर सकता है क्योंकि इंडिया की बॉर्डर अदर अदर कंट्रीज़ के साथ में शेयर होती है जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल भूटान इन सभी कंट्रीज़ में अगर पोल्यूशन देखने को मिलता है तो इंडिया पर भी इसका इफेक्ट आएगा तो फोकस करना है हमें कि जो भी कंट्रीज़ है जिनके साथ में बॉर्डर शेयर होती है उन सभी कंट्रीज़ के साथ में मिल कर के एयर पोल्यूशन को कर्म करने की कोशिश की जाए जैसे कि हमारे दिल्ली के एन वाले रीजन में पोल्यूशन इशू देखने को मिलता है तो अदर स्टेट के साथ में मिल कर के कॉपरेशन पॉलिसी हमने अपनाई है जैसे कि जो स्टबल बर्निंग एक मेजर इशू है तो पंजाब हरियाणा वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है बायोडिकम्पोजर एक जनरेट किया गया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको दिया जा सके और स्ट्रगल बर्निंग के इशू ना देखने को मिले तो ये कुछ बेसिक इशू हैं जो हमने डिस्कस किए हैं और पोल्यूशन जो है इसको कर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2070 जो हमने टारगेट लिया है उसको अगर हमें अचीव करना है तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इन सारे इश्यूज को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है तभी रिजल्ट जो है वो आ पाएगा नहीं तो डेड जो है वो सिर्फ एक्सटेंड होती रहेंगी तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू एक इंपॉर्टेंट आपके साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं देखो एक इंपोर्टेंट बात यह है कि 2023 में अगर आप यूपीएससी फिल्म दे रहे हैं तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है मंथली बेसिस पर हम ये प्रोग्राम चलाते हैं तो नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी 2023 के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या बेनिफिशियल रहेगा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और वो चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में मतलब आपका स्टेटिक पार्ट भी कंप्लीट हो आपका करंट अफेयर पार्ट भी कंप्लीट हो साथ ही साथ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस एनअप करवाई जाए इसमें थ्री थाउजेंड प्लस क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपका फिलिम्स का जो कोर्स है वो आपको कवर करवाया जाएगा अब कवर करवाने का मतलब ये है कि आपको डेली बेसिस पर हम टारगेट देंगे मतलब हम आपको बोलेंगे आपका अलग से टेन टू फिफ्टीन स्टूडेंट्स का अलग अलग बैच बनाया जाएगा और उस बैच में जो है वो आपके मैंटो जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे कि आज आपको ये कवर करना है ये स्टडी करना है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाए जाते हैं तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर इस प्रोग्राम के फाइव नाइन नाइन पर मंथ इसके चार्जेस रहने वाले हैं तो आप सभी को पता है कि ट्वेंटी एट्थ मे को एग्जाम है बहुत ही कम टाइम बचा है आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको पिलम्स में आपके यू पी में क्योंकि जो टाइम बचा हुआ है उसमें पिलिम्स के सिलेबस को कवर करना जो है वो अगर आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पर जो आपकी स्टडी रेगुलर नहीं हो पाती है तो यहाँ पर डेली बेसिस पर जो टारगेट वो इस तरीके से हम देंगे कि आपका सिलेबस जो है वो पिलम्स से पहले अच्छे से कवर हो जाए और एन एफ तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर लो क्वेश्चन की ओके तो नेक्स्ट मंथ के लिए जनवरी दो हजार तेईस के लिए आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ओके थैंक यू